डेवलपमेंट्स हैं उस पर अपना एक मौकफ़ दे दें और उसके बाद आपके जो सवाल हैं वो हम लेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि लोगों की अवेयरनेस के लिए ज़रा बता दें कि हम कहाँ खड़े हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। पहली चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये ज़रूर है कि हम ये जो हुकूमत है इसने काफ़ी चैलेंजेस को इनहेरिट किया है, लेकिन हम उससे घबरा नहीं रहे उन चैलेंजेस से, बट हम एक एक करके उन चैलेंजेस को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा तरीका कार ये है कि हम बहुत उसको प्रूडेंटली मैनेज करें और कोशिश करें कि अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं और अपने ज़राए एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें और जो रेवेन्यूज़ हैं उनको एनहांस करें, एंड उसी के थ्रू बेहतरी आएगी इस सिचुएशन में। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर आप उनको रिव्यू करेंगे तो आप कुछ बेहतरी पाएंगे। देर आर सम साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, इवन इफ देर आर इट्स जस्ट स्टार्टिंग। आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ऑन द इन्फ्लेशन साइड जो CPI है, दैट इज़ शोन ए डिक्लाइन फ्रॉम मे फिगर्स ऑफ ओवर 38% टू अभी 27.2% और 4%। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि कुछ मुश्किलात से हम निकल आए हैं, और हम होप करते हैं कि ये जो है प्राइस स्टेबिलिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी एज वी गो फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का एहसास लें कि जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें भी बेहतरी आई है। और प्रोडक्टिव सेक्टर से मुराद मेरी एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें उम्मीद है कि हमारी रिजल्ट्स अच्छी आएंगी, वेदर इट्स गॉट टू डू विथ क्रॉप्स और इट्स गॉट टू डू विथ मेजर क्रॉप्स और माइनर क्रॉप्स। और इससे एग्रीकल्चर की इम्प्रूव रिजल्ट से हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। आपको पता है कुछ लोग शिकायत करते हैं इंडस्ट्रीज में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं एंड ऑल दैट। हमने डेटा को एग्जामिन किया और कुछ प्रोडक्टिव सेक्टर्स में बेहतरी आ रही है, चाहे वो सीमेंट हो चाहे कुछ हो। तो एक्टिविटी जैसे जैसे पिक कर रही है, इंडस्ट्री की हालत भी बेहतर होती जा रही है। और अगर आप सर्विसेज सेक्टर को देखें तो सर्विसेज सेक्टर तो बहुत वाइब्रेंट है इस वक्त, और सर्विसेज सेक्टर का लिंकेज हर सेक्टर के साथ है। अच्छा, उसके अलावा अभी आपने सुना होगा कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने जो है ना इंटरेस्ट रेट्स को सेंट्रल बैंक ने नहीं बढ़ाया, उसको स्टैगनेंट रखा है। अब इससे भी बेहतरी आएगी बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंडस्ट्री की कम हो जाएगी, और इंशाल्लाह थ्रू दैट होल मैकेनिज्म इंडस्ट्री में रिवाइवल भी हो जाएगा। उसके बाद हमने डोनर्स से काफ़ी बातचीत की है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिसाइड्स द नॉर्मल फ्लो जो आते हैं डोनर्स को, कि कुछ एरियाज़ में फास्ट ट्रैक हो जाएगा। मेरी वर्ल्ड बैंक से बातचीत चली हुई है, तो टोटल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्यूमुलेटिव असिस्टेंस यहाँ पे तकरीबन $2 बिलियन तक हो जाए। हमने दूसरे भी एंटिटीज से बात की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वहाँ से भी खुश आई खबर मिली है कि वो जो राइस प्रोग्राम जिसका आपने बहुत सुना होगा उसको हम फास्ट ट्रैक करके रिलीज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा फोकस है कि
कि हम उन उन एक्टिविटीज़ पे अब काम करें जिससे कि हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, और ये भी हम चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़े पाकिस्तान इकोनॉमी में, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो स्मूथली पाकिस्तान में आए और ज़्यादा आए। इसके लिए हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, कुछ हुकूमत कर रही है, कुछ SLIFC की तरफ से हम लोग मिलकर उनके साथ कर रहे हैं, और इसका बहुत बेहतरीन असर होगा, बिकॉज हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर ठीक हो जाए तो ये इकॉनमी विल गेट इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इट्सेल्फ। तो कुछ ये ऐसी बातें हैं कि फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी रिज़र्व पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारी आउटफ्लो इनफ्लो है उसके मुताबिक से इट इज़ क्वाइट स्टेबल इन माई व्यू। आपको पता होगा पिछले दिनों हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनीज का रिफॉर्म किया है, और इस रिफॉर्म मेजर से और स्मगलिंग एंटी स्मगलिंग की एफर्ट से हमारा रुपया जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है, और ये स्टेबिलिटी आई है विदाउट एनी बैंक इंटरवेंशन। उधर से स्मगलिंग है, उधर से हमने एक्सचेंज कंपनीज के रिफॉर्म्स किए हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और आज सुबह मैंने उसका आपको अलहदा क्लिप भिजवा देंगे सोलंकी साहब, मैंने अभी तैयार किया है कि हमने रेमिटेंसेस के लिए कोई 80 बिलियन के करीब रुपीज़ एलोकेट किया था, उसमें से 20 बिलियन आज हमने रिलीज़ किया है बैंक्स को, ताकि वो रेमिटेंसेस को फॉर्मल चैनल्स के थ्रू लेकर आए। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है। हम इसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकती हूँ जिससे आपको एहसास होगा कि ये हुकूमत अपनी स्लीव्स रोल करके एक्चुअली काम कर रही है, और जिसके जो अच्छे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। नो व्हाट यू सेड।